नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जल्दी बनने वाली मिठाई की रेसिपी। अगर आपके पास टाइम कम हो और आप ज़्यादा मेहनत भी करना नहीं चाहते तो यह मिठाई बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए, और वह भी बिना गैस चलाए। और खाने में मिठाई इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप एक बार बनाकर औरों को खिलाएंगे तो सब आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। त्यौहार पर बाहर की मिलावट से भरी मिठाई खरीदने से अच्छा है अपने घर पर ही हेल्दी तरीके से लो बजट में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाएं। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिए 6 व्हाइट ब्रेड के स्लाइस। अब इसके जो ब्राउन साइड्स हैं हम उन्हें काट कर हटाएंगे। इसे हटाने का मेन रीज़न यह है कि हम जो मिठाई बनाएंगे इसमें यह पार्ट देखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम इसे काट करके साइड कर देते हैं। इनको फेंकना नहीं है, इनको आप किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो इनके ब्रेड क्रम्स बनाकर स्टोर कर सकते हैं। अब सारे ब्रेड के स्लाइस को रफली तोड़ते हुए एक जार में डालें और इसे ग्राइंड करें। तो अब ग्राइंड करने के बाद जो ब्रेड क्रम्स हैं उन्हें एक बॉल में ट्रांसफर कर लें। अब हम मिठाई को टेस्टी बनाने के लिए डाल रहे हैं इसमें मिल्क पाउडर। यह मैंने आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है, क्योंकि हम खोया मावा कुछ ऐसा इसमें यूज नहीं करेंगे, तो इसमें मिल्क पाउडर डालने से मिठाई का टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा आएगा। और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, इससे भी मिठाई का जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आएगा। मैंने लगभग 1 कप नारियल का बुरादा ले लिया है। आपको जितना पसंद है आप उस हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें मिठाई में चीनी डालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले ग्राइंडर जार में हम डालेंगे आधी कप चीनी और हम इसमें डाल देंगे 4 इलायची। इलायची डालने से मिठाई का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो डाल दें, मगर मैं यहाँ पे इलायची डालकर चीनी के साथ ही पीस रही हूँ। चीनी को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और एक फाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस चीनी पाउडर को इसमें ऐड करें, इसे चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। सिर्फ ब्रेड और घर के सामान से मिठाई बनकर तैयार हो रही है, और एक बार कोई भी इसे खा ले तो बता नहीं पाएगा कि यह ब्रेड की मिठाई है। बाजार की मिठाई से काफ़ी सस्ते में मिठाई बन जाती है और काफ़ी हेल्दी भी होती है। अब मैं इसमें बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ घर की मलाई। इसमें लगभग 2 से 3 चम्मच मलाई डालकर इसे अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएं। अब इसे हाथ से अच्छे से मिलाते हुए मिक्स करें। जरूरत के हिसाब से आप इसमें 1-2 चम्मच मलाई और ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से हाथों से मिलाते हुए एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार करूंगी। तो देखिए इस तरीके का डो बनाना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इस मिठाई की फिलिंग। इसके लिए एक ग्राइंडर में डालें लगभग 15 से 20 पिस्ता, 15 से 20 काजू, 15 से 20 बादाम और लगभग 2 चम्मच किशमिश। आप इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब इसको ग्राइंड करके एक दरदरा सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच मलाई। इससे मिक्सर अच्छे से बाइंड होगा। मैं इसमें डाल रही हूँ हल्की सी फूड कलरिंग। फूड कलरिंग डालने से इसके अंदर काफ़ी अच्छा कलर निकल कर आता है और वह देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे कि ओवरऑल मिठाई काफ़ी सुंदर लगती है। आप चाहे तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम इस मिक्सर की छोटी छोटी बॉल्स बनाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार की हमें बॉल्स बना लेनी है। इनका साइज छोटा या बड़ा आप अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं।
तो इसी तरीके से हमने सारे मिक्सर की बॉल बनाकर तैयार कर। अब हम ब्रेड वाले मिक्सर में से एक बड़ा लोई तोड़कर निकाल लेते हैं और इसे बीच में दबाते हुए फ्लैट कर लेते हैं कटोरी की तरह। अब इसके बीच में डालेंगे ड्राई फ्रूट की फिलिंग, फिर इसके साइड के हिस्सों को ऊपर उठाते हुए ड्राई फ्रूट की फिलिंग को कवर करते हुए अच्छे से ऊपर से सील कर दें। बिल्कुल जैसे हम कचौड़ियाँ बनाते हैं ना, वैसे ही हमें इस मिठाई को बनाना है। इसे हाथों में ऐसे रोल करें ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए। आप इसकी शेप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे तो इस मिठाई को बॉल की तरह रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऊपर नीचे से हल्का सा प्रेस करके थोड़ा सा चपटा कर लेती हूँ, जिससे मिठाई देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। दोस्तों, मैं आपको इसे तैयार करने का एक और आसान तरीका दिखाती हूँ। सबसे पहले मिठाई मिक्सर लेकर इसे चपटा कर लें और फिर इसमें डालें ड्राई फ्रूट की फिलिंग। पिछली बार हमने इसकी बॉल बनाकर डाली थी, अब की बार हमने इसे भी फ्लैट करके इसमें डाला है और नीचे से मिठाई मिक्सर को ऊपर उठाते हुए चारों बगल से अच्छे से सील कर लेंगे। अब इसे भी हाथों से उसी तरह फिनिशिंग दें। तो देखिए, ये बनकर तैयार है, इसे भी प्लेट में डाल दें। तो इसी तरीके से मैंने सारे मिक्सर और ड्राई फ्रूट फिलिंग से 8 पीस बनाकर तैयार करनी है। तो अब इसे थोड़ा बाजार जैसा लुक देने के लिए अब इसके ऊपर लगाते हैं चांदी वर्क। यह करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसे चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें चॉप करा हुआ बादाम पिस्ता डाल रही हूँ, साथ ही मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ केसर के कुछ धागे। यह करना भी बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर मैंने इसके ऊपर डाली है कुछ सूखी गुलाब की पंखुड़ियाँ। आप चाहे तो चांदी वर्क स्किप कर सिर्फ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, इससे भी मिठाई देखने में काफ़ी अच्छी लगेगी। अब हम इसे आधे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि मिठाई अच्छे से सेट हो जाए। तो बस तैयार है बहुत ही स्वादिष्ट, बाजार से भी अच्छी, हेल्दी और सस्ती मिठाई। देखिए, मैं आपको इसे एक बार काट कर दिखाती हूँ। यह देखिए कितनी स्वादिष्ट बनकर तैयार हुई है। यकीन मानिए दोस्तों, यह देखने में ही नहीं, यह खाने में भी बहुत टेस्टी है और इसे बनाने में भी हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है और मेहनत भी कुछ ज़्यादा नहीं लगी है। बिना गैस जलाए हमने काफ़ी स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार करनी है, वह भी सिर्फ ब्रेड और घर के कुछ सामानों से। तो देर किस बात की, इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। त्योहार पर या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे, इसे झटपट बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।